अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो है संडे का दिन है, आज हम फिर वही अपने जो जानवर हैं उनको नहलाना है हमें। और रात में ये कि जुनेद ने एक बर्ड पकड़ा था, वो डव जिसको है उसको भी आज़ाद करना है, छोड़ना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा और बाकी एक्टिविटी है, कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ घुमा रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखाएँगे। तो आज सबसे पहले यही करते हैं कि जो हमने डव रात में जो हमने पकड़ी है, जुनेद ने, मैं तो नहीं था, जुनेद ने एक डब पकड़ी है जो कौवे में उनको मारा था, तो वो यहाँ आ गई थी घर पर। अब उसको जाते हैं, ऊपर मैंने रखा है, वो दिखाता हूँ आपको, फिर इसको एवरी में छोड़ देते हैं ताकि वो हमारे एक वो भी हो जाएगी कि इसके अंदर से डब निकल सकती है या नहीं निकल सकती, ये सारी चीज़ें देख भी लेंगे हम। चलिए आइए चलते हैं डब को देखते हैं। हाँ जुनेद, निकालो डब को, उसको खुली हुई है। अबे ये उस दिन भी निकल गए थे यार, अभी इनको पकड़ना पड़ेगा। कहाँ से पीछे थे? रुक जाओ मैं पकड़ता हूँ। निकालो भाई, इसको लेकर जा रहे हैं नीचे, है ना, खुला छोड़ देंगे इसको एवरी में। ये जुनेद ने पकड़ी है भाई बाहर दरवाजे से। ले आओ ले आओ, दिखा ना डब ले डब, बेहतरीन आ जाओ। चल भाई, किटी क्या कर रही है भाई? किटी चल चल, इसको आज़ाद कर, दिखाना मैं बोलूँ फिर छोड़ना, इसको दिखाना मुझे पहले छाँव में। मुर्गियाँ सोच रही क्या ले आए। बस बस, मुर्गियों से बचाना नहीं उड़ पा रही है, उठा इसको, उड़ तो पा रही है लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही। वहाँ रखो, वहाँ इसको रखो, ऊपर रखो, ऊपर ऊपर, हाँ यहाँ रखो। हाँ वो ही दिख रही है मुझे, अभी थोड़ी देर इसको देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रही है। उड़ तो पा रही थी लेकिन पिंजरे में है ना। आ जाओ जब तक ये के बकरे को, ये लड़ रहे हैं यार। हाँ जब बकरे को और उनको निला देते हैं, गाय को निलाना है, दुम्बों को भी आज निलाना है। ले आओ सबको एक एक करके, सबसे पहले मैं बोलता हूँ बकरे को ले आते हैं। चलो भाई पहले ना शेरों को निकालते हैं। बंदा भाई जा, इसके ऊपर बैठा हुआ कौवा तो। माशाल्लाह आज जिन लोगों का, सब बकरियों का पेट तो सही लग रहा है, भरा हुआ लग रहा है, खाना सही मिला है। चल भाई इसका भी पेट सही लग रहा है यार आज तो। ये मुर्गी जो छोटी ली थी भाई, ये भी बड़ी हो गई है और इसके लिए भी कुछ रखना पड़ेगा, ये भी अंडे देने वाली है कुछ दिनों में। माशाल्लाह वो जानवर तो बेहतर लग रहे हैं सारे, यानी के एक्टिव लग रहे हैं माशाल्लाह। सही कर जो ना इसकी रस्सी को, बाहर निकल लिए देख, हो गए देख क्या मारे रहे, खुल गया भाई। आ जाओ दरवाजा खोल, आ जा भाई। चलो भाई नहाने के लिए, यहाँ पर पहले नहा ले भाई। ये जो है वो खाना खा रहा है, खाना खा ले तो फिर इसको बांध देते हैं, और खाना हमने धूप में दिया इसको ताकि ये आराम से खा ले। जो है इनकी बारी है भाई, ले आ जुनेद, एक अंदर चला गया, रुक जा रुक जा, ये ले निकाल। चप्पल नहीं रहे यार, आ जाओ तुम लोग तीनों की बारी है अब। चलो भाई अब तुम लोग दोनों को, इनको भाई निलाना है, आ जाओ यहाँ पे दोनों को साथ, क्योंकि वो चिल्ला भी रहे। देख को एक काम करते हैं, रस्सी यहीं लेके आके बांध देते हैं, सही है जुनेद? चलो भाई ये तो हो गया, अब ग्राउंड वाले की बारी है।
गियर भी साथ साथ में है, वो ही बटन दबाने का भी। सही है, हो गया। चल भाई बाहर जा धूप में, इसको भी धूप में रुक जा। चल भाई जाओ, गिर गया, स्लिप हो गया, ये लगेगा तुम्हारा दोस्त। के सूख जाएंगे फिर उनको पानी देंगे। आ जाओ आ जाओ, चलो बांध लेते इसको। आ जाओ आ जाओ, सूख तो गया है थोड़ा सा। आज से तुम यहाँ होंगे, तुम्हारी जगह चेंज, जगह चेंज हो गई। इसको यहाँ बांधेंगे आज से, साथ साथ इसको भी देख लेते, डब को भी। नहीं है भाई, ऊपर तो नहीं है, निकल तो नहीं गई। एक ये सुराख है जहाँ ये चिड़िया इंतजार कर रही है अंदर आने का, होगा तो यहीं कहीं होगा, बाहर नहीं निकल सकता ये। कहाँ गया होगा, देख कहाँ, पकड़ पकड़ इसको, उड़ रही, उड़ तो रही है, इसका मतलब इनको मुर्गियाँ नहीं मार रही। लेकिन ये ऊपर बैठे तो अच्छा है ना, पकड़ ले पकड़ ले, आ गई दिखा। हाँ यार, वो उसी पे छोड़ दो उसको, उसके ऊपर बैठा। एक मिनट, वो ऊपर ऊपर छोड़ दे दोबारा। भाई ये ज़्यादा उड़ भी नहीं पा रही, ऊपर भी नहीं बैठ रही सुकून से। बस सही है, छोड़ दे छोड़ दे, फिर थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्या कर रही है। आ जा जब तक गाय के बच्चे को निकाल। अच्छा तो भाई इसने भी नहा लिया है, इसको भी अब धूप में छोड़ दिया, इनके साथ सूख जाएगा थोड़ी देर में, फिर उसको अंदर करेंगे। देखो पानी निकला है इनके अंदर, खाओ। अच्छा निखर आया भाई, ये तो वाइट वाइट हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया। पिक्चर भी ले लेता हूँ, जा पानी पी के, और वो वाइट वाली बकरी नहीं है जिसका मैंने बोला छोटी वाली, उसको ले जा जल्दी जा, ले आ इसको ही ले आ, इसकी इसी की बात कर रहा था वाइट वाली। नीला क्या हुआ, नीला नीला भाई, अरे यार पकड़ी नहीं जा रही जुनेद, क्या हुआ जुनेद, इसका भी हो गया। जुनेद ले जा, नहा लिया भाई इसने भी, इसको थोड़ा पहले धूप में छोड़ना है ताकि वो अपने आप को निचोड़ ले। छोड़ दे, अभी अपने आप को निचोड़ेगी। हाँ अब ले जा इसको अंदर ले जा। बड़ी वाली ब्लैक को ले आ भाई जुनेद अब। हाँ इसको ले आ, ले आ। चलो नीला, नीला हाथ भी मारो साथ साथ, आपसे बड़ी तो बकरी है, बकरी आपसे बड़ी है भाई, नहीं नीला पाओगे आपको कैमरे पे पानी। यार जुनेद को गिरा दिया भाई बकरी ने। वाह यार जुनेद, क्या है यार, लगा तो नहीं आपको, लगा है मट्टी पे हाथ वगैरह, कपड़े और सब गीले किए। कोई बात नहीं, होता है भाई, जुनेद लगा तो नहीं है, बस सही है। जा इसको छोड़ के अंदर, अब ये भी गिर जाती तुम्हारे साथ, कपड़े वपड़े जुनेद इनको दे दे, वहाँ खा रहे ना उसी में डाल दे।
उसको बुला, कालू आजा आजा आजा, दूसरा खाना डाले तुम्हारे लिए। बस ठीक है, चलो भाई। तो दोस्तों, सारे एनिमल को नहलाने के बाद जो है हमारी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए हम आज के दिन की पार्ट टू भी बनाएंगे, जिसमें हमारी एक और एक्टिविटी है जो कि हम ऊपर से लव बर्ड हमारे जितने भी है उसको हम यहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं एवरी में। लेकिन एवरी में हम इसको अभी फ़िलहाल खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि चिड़िया ने जो अंडे दिए तो उसकी वजह से हम चिड़िया का रास्ता बंद नहीं कर सकते। हमने थोड़ा सा रास्ता खुला रखा है जिससे लबर्ट निकल जाएंगे, इसलिए जो इसकी जो छोटी सी एवरी बनी हुई है लबर्ट की, उन तब सबको ना तमाम को एक साथ करके मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, जो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ।